कश्मीर के विभिन्न महाविद्यालयों, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुशासित विद्यालयों से आए हुए अध्यापकगण तथा छात्रों का भी मैं अभिवादन करती हूं और स्वागत करती हूं। आप सब ने अत्यंत व्यस्तताओं के होते हुए भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। निश्चित रूप से आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस विशेष अवसर हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा के बढ़ते कदमों को गति दी है। आपकी उपस्थिति हिंदी भाषा और विशेषता इस विभाग के लिए सौभाग्यपूर्ण एवं शुभ है कि आपने समय समय पर इस विभाग की प्रगति के लिए बरसक सहयोग दिया। हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी कार्यशाला आदि जैसे कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों का आयोजन होना या आयोजन किया जाना ही वास्तव में हिंदी भाषा और साहित्य की प्रगतिशील प्रवृत्ति का परिचायक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा तथा राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री इस दिन को एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस रूप में देखा और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया। यद्यपि आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस पहले 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा ये सुझाव दिया गया था 1953 में कि हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाए जाएंगे और तब से आकर हर वर्ष ये हिंदी दिवस विश्वभर में मनाया जाता है। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। संस्कृति देश की धरोहर, किसी भी देश की प्रगति और उन्नति उसकी भाषा पर आधारित होती है। यद्यपि भारत विविधताओं भरा देश है, भाषिक रूप से ये देश प्रचुर विविधता लिए हुए है, परंतु ये भी सत्य है कि इस देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलने और समझने में सक्षम है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा का एक प्रतिष्ठित और उन्नत भाषा के रूप में संपूर्ण देश में स्थापित हो सकती है, परंतु ये तब संभव है जब हिंदी भाषा को केवल एक भाषा के कैनवस से देखा जाए, किसी धर्म विशेष से नहीं, किसी समुदाय से नहीं, किसी क्षेत्र से नहीं। हिंदी एक केवल वैज्ञानिक भाषा है पर अपितु संपूर्ण देश को जोड़ने वाली, एक सूत्र में बांधने वाली ये भाषा ही एक मातृभाषा रूप में प्रतिष्ठित हो सकती है। कार्यालयी भाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी यद्यपि अभी तक अधिक प्रयोग में नहीं लाई जाती है, परंतु इसके प्रचार प्रसार हेतु सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी का उपयोग करने पर अब बल दिया जाता है। हिंदी के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार हमारा हिंदी विभाग भी अपने स्तर पर अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से छात्रों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है। वास्तव में हमारा ये अल्प प्रयास कुलपति जी के सहयोग से, के समर्थन से ही संभव हो पाया है। निश्चित रूप से हिंदी भाषा के विकास और विस्तार के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भी रोजगार उन्मुख कार्यालयों पाठ्यक्रमों का पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे हिंदी अनुवाद, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी सर्टिफिकेट कोर्सेस। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों से हिंदी भाषा के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ सकती है और परिणाम स्वरूप हिंदी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों की अपेक्षा इस विभाग में छात्रों के प्रवेश कम है, पर यह भी सत्य है कि दिन प्रतिदिन छात्रों और शोधार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। संतोषजनक बात यह है कि गत वर्षों से यहाँ हो रहे डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में 15 की 15 रिक्तियां के में आवेदन पत्र पूर्ण हो जाती हैं, यहाँ तक कि वे पेमेंट सीट्स के लिए भी आवेदन देते हैं जिसकी अभी अनुमति हमें विश्वविद्यालय ने नहीं दी है। परंतु अनुसंधान के क्षेत्र में ये विभाग हमेशा ही सक्रिय रहा है। यहाँ अभी तक 75 PhD और 65 MPhil हो चुके हैं और अभी भी पर्याप्त संख्या में हमारे पास शोधार्थी और छात्र हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आशा करती हूँ कि हिंदी देश विदेश के अतिरिक्त हमारे विभाग में भी उन्नति के राह पर अग्रसर हो। मैं पुनः आप सभी बुद्धिजीवियों, महानुभवों, शोधार्थियों, छात्रों का इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सबको बधाई देती हूँ और मैं बहुत खुश हुई देख के कि हमारी हिंदी डिपार्टमेंट में ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ रही हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है, क्योंकि जैसे जाहिदा जी ने या आदिल साहब ने बोला कि हमारी हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी अपनी अपने कश्मीर में, अपने यूटी में या फिर नेशनल लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सबसे एक पुराना डिपार्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी का है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस डिपार्टमेंट को आगे ले जाएं।
किसी भी तरीके में मैं बहुत खुश हुई। जाहिदा जी बता रही थी कि कितने PhDs, अराउंड 75 PhDs अभी तक निकले हैं। जाहिर है वो सब बच्चे जो हैं हमारी UT में या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग मकामों पर काम कर रहे हैं और अच्छे पोस्ट्स पे काम कर रहे हैं। हिंदी का ऑल ओवर इंडिया हमारे नेशन में एक अपना अपनी इम्पोर्टेंस है, हमारे करिकुलम में अपनी इम्पोर्टेंस है, हमारे एकेडमिक्स में एक इम्पोर्टेंस है। आप देखिए लैंग्वेजेस की तो अब इम्पोर्टेंस है राइट फ्रॉम स्कूल लेवल। हमारे जो एकेडमिक्स में है ज़रूर हमारे, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, अरबिक हो, पर्शियन हो, संस्कृत हो, इन सब लैंग्वेजेस की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और मैं अपने डीन प्रोफेसर आदिल साहब को ये बोलूँगी कि आप पूरी तरह से मॉनिटरिंग करें। अगर आपको लगता है कहीं पे हमें इन लैंग्वेजेस को और यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प की ज़रूरत है या इनको विजिबल करना है, हम ज़रूर करेंगे। जाहिदा जी को भी मैं बोलूँगी एक एलुमनाई मीट करवाएं ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो कॉलर्स हैं हिंदी के हैं, क्योंकि आई नो कि हिंदी के हमारे बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स जो हैं दे आर वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, सो दैट वी आर यू नो कनेक्टेड। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस डिपार्टमेंट को, कोई भी डिपार्टमेंट हो, यू नो ऑलवेज देयर, वी नो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो इज़ हिंदी। ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज काफ़ी हद तक हम रिलीजन के साथ मिला देते हैं और इस वजह से काफ़ी नुकसान हमारा है। हमारे मतलब मेरा एक फ्रेंड डेनमार्क में है, तो उसने किसी एक लैंग्वेज पे काम कर लिया और मैं हैरान हो गया कि वो जो आदमी है वो पश्तो भी जानता है, वो अरबिक भी जानता है और वो पर्शियन भी जानता है। और यही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी ये सारी ज़ुबानें जानते हैं। मेरे ख्याल में तरक्की अगर हमें करनी है तो किसी हद तक ये जो पैरोकियल हमारा माइंड सेट है उसको हमें हटाना है और अच्छी तरह से मतलब दुनिया को एक दूसरे जाविये से देखना है, क्योंकि जितनी ज़बानें आप जानते हो उतने ही आपकी दृष्टि बढ़ जाएगी। अब जो भी लोग मतलब इसके बारे में बात करते हैं कि ज़ुबानें हैं, फिर ये मेरी ज़ुबान है, ये उसकी ज़ुबान है, अगर हम हिंदी की हिस्ट्री देखें तो हिंदी आई है, उसको प्रोटो इंडो यूरोपियन बोलते थे, तो ये बहुत ही पुरानी एक ज़ुबान थी। उस ज़ुबान से फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज निकली और इंडो यूरोपियन से ही अंग्रेज़ी भी निकली है, लेकिन दूसरी ब्रांच जो इंडो यूरोपियन की थी वो निकल के उसको इंडो ईरानियन बोलते हैं, तो इंडो ईरानियन से फारसी भी निकली, उसके बाद और एक ब्रांच उसमें से निकली जिसको इंडो आर्यन बोलते हैं और इंडो आर्यन में संस्कृत आई। तो ये संस्कृत आके फिर मतलब इंडिया में आ गई, जब आर्यन यहाँ पर आ गए तो उनके साथ ये ज़ुबान आ गई और संस्कृत ही बाद में अपभ्रंश मतलब इसके अलग अलग डायलैक्ट्स निकले, उसमें स्वरसेनी अपभ्रंश था, स्वरसेनी प्राकृत था और उसके बाद एक ये ड्यूरिंग मुगल सल्तनत और उससे पहले भी जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में बाकी ज़ुबान के साथ मिलके और इसने एक एक अलग एक ज़ुबान बना दी जिसको हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। और हिंदुस्तानी कौन सी ज़ुबान है, जनरली हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के मतलब उसका स्टूडेंट होते हुए हिंदुस्तानी को हम बहुत ही तरजीह देते हैं। हिंदुस्तानी वो ज़ुबान है जो हम सब लोग बोलते हैं। अब यही वाली हिंदुस्तानी ज़ुबान जो है इसमें अगर आपने थोड़ा सा संस्कृत ज़्यादा डाला और आपका हिंदी बन गया और थोड़ा सा पर्शियन अरबिक डाला तो आपका उर्दू बन गया। लेकिन मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें इनके हिंदी के रूट्स देखें तो सब रूट सब के उर्दू का भी वही रूट है, हिंदी का भी वही रूट है, फारसी का भी वही रूट है और अंग्रेज़ी का भी वही रूट है। तो इस हिसाब से हमें ये देखना चाहिए, हमें अपना माइंड ब्रॉडन करके इस पहलू को देखना चाहिए कि एक ज़ुबान सीखने से आदमी की कोई मतलब आइडेंटिटी ख़राब नहीं होती है बल्कि एक नई आइडेंटिटी की तरफ वो चला जाता है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी, अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री को भी देखें, जब इनिशियली यहाँ पर मिशनरी स्कूल स्टार्ट हो गए तो लोगों को बोला गया कि अगर आपने अंग्रेज़ी पढ़ी तो आपका रिलीजन चेंज हो जाएगा, मतलब आप फिर क्रिश्चियन बन जाओगे। उस वजह से हम काफ़ी हद तक पीछे रहे। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारी पुरानी जनरेशन्स एजुकेशन काफ़ी लेट आ गई हमारे सोसाइटी के अंदर। तो ये वाली चीज़ हमें अपने जहन से निकालनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब मैं हर वक्त चाहता हूँ कि
हमारे जो स्कूल ऑफ आर्ट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स है, हर एक जो डिपार्टमेंट है उसमें ये होना चाहिए, मतलब तरक्की होनी चाहिए।